नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। कल बिग बैश लीग में मेलबर्न एनिगेट्स और ब्रिस्बेन हीट का मुकाबला है, तो मैं इसके लिए आपको ड्रीम इलेवन की टीम लूँगा। आप उस टीम को बना के एक अच्छा और काफ़ी अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं न्यूज़ भी बताऊँगा इस मैच से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। तो बात करते हैं इस वीडियो में ब्रिस्बेन और मेलबर्न एनिगेट्स की टीम की। तो सबसे पहले आती है सिलेक्शन की बात विकेट कीपर की। विकेट कीपर में आपके दो सिलेक्शन हैं, या तो टीम लीडर मैन को लीजिए जो कि कल खेलेंगे नहीं, आप इनको ना लें। वहीं जिम पैरिसन और सैम हार्पर को लीजिए, दोनों ही प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, खासकर सैम हार्पर। जिम पैरिसन काफ़ी डाउन पोजीशन में आएंगे तो आप इनको ना लें। वहीं सैम हार्पर जो कि ऊपर आएंगे और काफ़ी अच्छा खेलते हैं और रीड की हड्डी माने जानते हैं मेलबर्न एनिगेट्स की, तो उनको ले सकते हैं। वहीं क्रिस लियन जो कि अब तक एक दमदार फॉर्म में और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आप इनको ले सकते हैं। पिछले महीने मैकुलम और क्रिस लियन ने काफ़ी अच्छे रन मारे थे, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। एरन फिंच को ना लें क्योंकि ये टी ट्वेंटी स्क्वाड में सिलेक्शन हो चुका है ऑस्ट्रेलिया की, तो आप ना लें। कैमरन वाइट को ले सकते हैं, जो बंस का खेलने के चांस है, लेकिन जो बंस को जितना भी मौका गया मिला उसमें वो कामयाब नहीं रहे। वहीं कई मैक्यो साइरिस, अगर आपने टेस्ट में पैसे लगाया होगा तो मैक्यो साइरिस ने बहुत अच्छी ओपनिंग दी थी ऑस्ट्रेलियन टीम को, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आप दे सकते हैं। वहीं मैक्स ब्रियंट जो कि एक दमदार प्लेयर है, हालांकि दूसरे मैच में इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन काफ़ी अच्छे प्लेयर मानते हैं। आप चाहें तो मैक्स ब्रियंट की जगह मैट रैनशा या टॉम कूपर जो कि कल मेलबर्न गेट्स की कैप्टनसी करेंगे, आप इनको भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। सबसे बड़ा टी ट्वेंटी में रोल होता है ऑलराउंडर्स का, तो डैनियल क्रिस्टन एक अच्छा प्लेयर बन सकते हैं क्योंकि अभी भी ऊपर पोजिशन में आगे एक अच्छी हिटिंग लगा सकता है। मोमन अभी भी कम प्लेयर नहीं है, लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं। कल डाबो में मैच होने जाके फिनर्स को सपोर्ट करते तो मोमन अभी का रोल ज़्यादा हो जाता है। बाकी तीसरे प्लेयर हैं बी वेस्टर, ग्रैंड लीग के एक बेस्ट प्लेयर आप जो ले सकते हैं, काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। बी वेस्टर हिटिंग अच्छी करते हैं, वहीं बैन कटिंग भी एक आपके एक्स्ट्रा चॉइस रहेगी सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं बॉलर की, तो मुझे ही दो माल लगातार अच्छा परफॉर्म करे, इनके बिना भी ना आ जाइए, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, चांस दीजिए इनको। वहीं मिचेल सैमसन और जो तीसरे प्लेयर हैं ये मेरे वो होंगे कैमरन ब्रियोस, ये भी लगातार इन तीनों प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया। वहीं उस्मान खान के साथ भी आप जा सकते हैं, जैक विल्डर बाद ये दोनों आपके साथ ऑप्शन हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो क्रिस लियन एक आपके सेफ चॉइस बन सकते हैं। ग्रैंड लीग तो मैकुलम और मैक्यूल हैरिस के साथ जाएगी, और मोहम्मद नबी भी एक अच्छी चॉइस बनेंगे कल के मैच में, क्रिस्टन और सैम हार्पर, ये सारे एक अच्छे आपको चॉइस देंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो फ्रेंड्स ये है मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।